नमस्कार, वेलकम टू यू ऑल आवर बीडीएसटी डिजिटल स्टडी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। दिस इज क्लास 10th एंड मायसेल्फ विनय शुक्ला। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको प्रतिदिन अपने नोट्स के माध्यम से या खुद वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर बैठ के खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका 10th है, इसलिए आपको और ज्यादा सीरियसली थोड़ा सा मोटिवेट होना जरूरी है। चलिए, आज के टॉपिक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक मोटर। आप आराम से मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे तो लोग बेहद अच्छे तरीके से और बहुत आराम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट है, क्या इलेक्ट्रिक मोटर बनना है। बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, हम घरों में मोटर होता है, हम सबके बहुत सारे टूल्स, फैंस हैं, मोटर्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल टूल्स हैं। मोटर क्या करता है बच्चों? मोटर पानी को खींचता है, पोटेंशियल एनर्जी लगाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, से क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आपने 9th में पढ़ा होगा वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। तो मोटर ने पानी को खींचा, खींचकर किसी ऊंचाई तक ले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वहां पे मेंटेन होगी वहां पर, और वो पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड वी गेट द मैकेनिकल एनर्जी। तो सो यहां आप इलेक्ट्रिक मोटर इज अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक सिस्टम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी बिजली से टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी बिजली से हम मैकेनिकल एनर्जी करेंगे। पानी खींचेगा, बाहर आएगा, टंकी भरेगा, टंकी भर से आएगा, आपको उसको मिलेंगे। ये तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां हमको ये समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी से हमको मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जैसे कुएं में पानी हम लोग निकालते हैं बच्चे, तो कुएं में पानी क्या करते हैं, पहले रस्सी को डालते हैं, उसको क्या करते हैं खींचते हैं, वी यूज दी पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी देयर। दैट मैकेनिकल एनर्जी नाउ डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। अब आपको हाथ से खींचने की आवश्यकता नहीं, आपके हाथ की वही जितनी एनर्जी है वो सब मोटर अब देगी, पाइप के थ्रू आएगा पानी ऊपर। तो ये एक समझने के लिए आपको है कि कैसे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाएगा। फिर बात आती है बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका प्रिंसिपल क्या होगा, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करेगा। तो प्रिंसिपल इसका है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, बच्चों फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और इसका अभी थोड़ी इसके पहले की वीडियोस में मैंने आपको बताया था, आप उस वीडियोस को जाकर एक बार फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब वो किस में रखा हो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। ओके, इसमें रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए बच्चों कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन चेंज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोटर वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम सब क्या कर सकते हैं, बिजली से मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इट इज बेस्ड ऑन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम हेल्प लेते हुए अब इसके चलते हैं आगे की ओर कि कैसे हम इसको समझते हैं। हमने दो मार्ग मैग्नेट के, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, क्योंकि फोर्स ऑन अ करंट कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यूनिफॉर्म है, आपको साउथ इसका डायरेक्शन आपने यहां देख लिया। ओके बेटा, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका
साउथ पोल है, इसका ये इधर का हो सकता है, लेकिन इसकी नॉर्थ टू साउथ की मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या रखा, एक लूप, एक करंट लूप, एक करंट लूप रखा, एक वायर रेक्टेंगुलर वायर कंडीशन को रखा हमने। अब वहां उसको ये देखिए पी आपको दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों सबको, आराम से समझिए। दो मैग्नेट, दो मैग्नेट के की मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक क्वाइल रखी गई है, इस क्वाइल को पी और क्यू, ये पी और क्यू दिख रहे हैं, इससे कहते हैं स्लिप रिंग्स। क्या इसके वर्क है, कैसे ये वर्क करेंगे, अभी हम लोग उसको समझेंगे। P एंड Q इट इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग्स, और ये स्प्लिट रिंग्स के साथ एक ब्रश लगा हुआ है जिससे से कनेक्ट है एक्स एंड वाई दोनों तरफ, उसे हम ब्रशेस कहते हैं। उसी ब्रशेस से हमारी वायर करंट की जो वायर है वो कनेक्ट है, जो एक बैटरी से लगाई गई है और इस प्रकार से एक सर्किट मेंटेन होता है। आपको ये समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं। दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट के बीच में क्वाइल रखी गई है, क्वाइल को एक को एक यहां पर देखिए, यहां ये आपकी रोटेटिंग पॉइंट रखी गई है, जो आपकी क्या कर सकते एक्सल जिसको कहते हैं हम लोग, एक्सल लगाया गया जो रोटेट करेगी, और आप एक कंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से और कर सकते हैं, इस एक्सल से ऐसे रोटेट करता हुआ एक ऐसे ही इससे करंट यहाँ पंखे पंखा भी लगा रहेगा जो आपका क्या करेगा वो रोटेट करेगा जब ये मैकेनिकल एनर्जी देगा क्रिटिकल एनर्जी से। ओके, तो एक्सल्स के कनेक्शन जो पहला था वो हमारे स्प्लिट है पी की, पी क्यू क्या है स्प्लिट रिंग्स, और स्प्लिट रिंग्स से कनेक्ट है एक्स वाई ब्रशेस, ये ब्रशेस से कनेक्ट है हमारा जो सर्किट वायर जिससे पूरा इंटरसर्किट तैयार होता है, बैटरी लगी से लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये एक कंस्ट्रक्शन आपने समझा। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, आखिर ये अपनी डिजाइन इतना ये सब बना है किस तरीके से वर्क करता है बच्चों। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा करंट जब इसमें फ्लो होता है, अ करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस, वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और जब वो क्या है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्सेस, वो क्या कर लगाती है फोर्सेस लगाती है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्सेस, और इस फोर्सेस को हम लोग प्लेनिंग जो है आपके लेफ्ट हैंड रूल से भी अच्छे से हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको प्लेनिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने बताया, आपको उसे समझेंगे बहुत अच्छे से, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए चलो, स्प्लिट रिंग्स जब इसमें करंट करंट गया, करंट जब इसके अंदर गया बच्चों इस तरीके से ऐसे जाएगा, अब क्या होता है तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड हमारी नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड हमारी वो नॉर्थ टू साउथ। अब जो ये करंट हमारा बनाएगा, ये करंट जो फ्लो इन करंट क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है इट ऑल्सो द क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो फोर्स होना ही होना है वहां पर, फोर्स आना है इसलिए भी कर लेफ्ट हैंड रूल। तो इस कारण से जब आप इस पर प्लेनिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाओगे तो ये आपकी करंट, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका फोर्स इस तरीके से। अब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ टू साउथ है, इस कंडीशन को हम ऐसे जब नॉर्थ टू साउथ की कंडीशन, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ टू साउथ की कंडीशन, तो जो हमारी फोर्स है वो इनवर्ड लगेगी और ये ऐसे करके मुड़ जाएगा, इन ऐसे करके फोर्सेस क्या लग जाएगी इन साइड में इनवर्ड, फोर्सेस कहां लगेगी इनवर्ड लगेगी। सेम टू सेम वही प्लेनिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करते हुए आपके घर आएंगे तो जब इधर से करंट फ्लो होगी तब उस पर फोर्स जो लगेगा वो आउटवर्ड, इधर क्यों लगेगा आउटवर्ड, वो ऊपर की ओर क्या करेगा फोर्स लगाएगा। अब ये नीचे की
की ओर या ऊपर की ओर अब कॉइल क्या होगी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी तो वो क्या करेगी रोटेट होना शुरू करेगी। आप समझ रहे हैं ना, फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, ये इसकी आई पैलेस है। जब ये क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, जब करंट फ्लो होता है किसी वायर से तो होती क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड बनाता है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट और फोर्स आना ही है F बराबर आई पी एल फॉर्मूला जो कि फ्रेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हो गया। उस फ्रेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को जब आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो एक फोर्स इधर इनवर्ड की तरफ लगता है और एक फोर्स इधर आउटवर्ड की तरफ लगता है। तो इस तरीके से जब दो अब जो कि दोनों क्या है बेटा सेम मैग्नेटिक फील्ड, जब तो सेम फोर्सेस अप्लाई होते हैं व्हेन द टू अपोजिट बट सेम मैग्नेट्यूड फोर्सेस आर अप्लाइड टॉर्क्यू आर द प्रोड्यूस देयर, वहां टॉर्क्यू प्रोड्यूस होता है। भाई दो फोर्सेस हैं इक्वल है लेकिन एक इधर और एक इधर लगा रहा है, अब ये क्या करेगा रोटेट करेगा ना, तो इस तरीके से ये रोटेशन शुरू हो जाएगा। अब जब ये रोटेशन शुरू होगा तो यहां क्या कंडीशन होगी, यहां ये कंडीशन होगी कि हमारा जो स्प्लिट है वो एक कम्यूटेटर की तरफ वर्क करेगा। अब जब ये 180 डिग्री यानी पूरा एक ऐसे पलट करके ऐसे आ जाता है तो इस कंडीशन में ये चेंज हो जाता है, डी ये ए हो जाता है, ये बी हो जाता है और ये सी हो जाता है, चेंज हो जाता है चेंज। और नेचुरल सी बात है तो बट करेंट डायरेक्शन ऑफ द सेम बट दीज आर घूम जाएगा और ये इसका पोजीशन चेंज जाएगा, ये वाई आ गया मेरा पी और क्यू, हाँ ये बदल जाएगा क्यू और पी, इस तरीके से ये आपकी रोटेशन हो जाएगी। ओके बेटा अच्छे से समझ में आ गया। और इसके वजह से जब रोटेशन आपकी ये बार बार जब कंटिन्यू ये जितनी बार ये रोटेशन करेगी ये पिस्टन ये पंखा क्या करेगा घूमेगा, इट मेक्स अ कंप्रेस पावर, ये क्या करेगी पावर पानी को क्या करेगी खींचेगी। बस सिंपल तरीके से मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी आपका क्या हो गया। अब आपको पता लग गया होगा कि जब फिर से क्या करेगी वो वही डायरेक्शन वही रोटेशन वही करंट जब शुरू करेगी वैसे अपनी उसी रोटेशन पे आ जाएगी। और ये प्रोसेस उसी फ्रेम के लेफ्ट हैंड के रूप के अकॉर्डिंग आप क्या करते रहेंगे इसको निकालते रहेंगे इधर से इनवर्ड आउटवर्ड आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका वर्किंग सिस्टम था इसका इलेक्ट्रिक मोटर का। आगे हम लोग ये जानते हैं कुछ रास्ते उस तरीके कि कैसे हम क्या है इंक्रीज कर सकते हैं इस रोटेशन को, इस पंखे के रोटेशन को कितनी ज्यादा ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी हमको पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ानी पड़ेगी, इसको हार्श मैग्नेट थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की पावर बढ़ानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं या करंट इंक्रीज कर सकते हैं ये भी हो सकता है, या नंबर ऑफ टर्न्स ये जो हमारे वायर्स हैं इनके नंबर ऑफ टर्न्स जितने इसकी क्वाइलिंग जितने इसमें वायर 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 तो आप इसके मोटर में अंदर देखिए वहां काफी क्वाइलिंग देखिए लगी रहती है, कई वायर्स इसमें कॉपर के लगाए गए होते हैं बच्चों आपने देखा होगा अगर बचपन में मोटर होता थोड़ा बहुत कहीं देखा होगा। तो ये जितनी ज्यादा रोटेशन होगी वायर की उससे भी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके यू अंडरस्टैंड, जल्दी जल्दी आप इसको लगा लें। ओके आप समझ गए नंबर ऑफ टर्न्स या एरिया ऑफ क्वायर भी बढ़ा कर सकते हैं, जितना उसका एरिया ऑफ क्वायर क्या करेंगे बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे सपोर्टिंग देगी उसकी। तो तीन इसको मैंने एक जनरल आर्टिकल बुक में अच्छे अच्छे साइड बुकों में लिखा रहता है मीना नाम से बताया जाता है हाउ वे बेस्ट इंक्रीज द रोटेशन बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द करंट
by the increasing of the number of turns and by the increasing of the area of the coil. Coil के area को भी हम increase करके भी हम कहीं तो energy को ज़्यादा ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं. बस आपका concept बच्चों यहाँ तक ही. आप अगर कोई समस्या हो तो आप मुझे phone करके WhatsApp करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ. तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें.